भाई और बहनों नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की एक इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि तीन जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।